हेलो एवरीवन, एडिवेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और आज हम हिंदी साहित्य में टॉपिक लेकर आए हैं साहित्य में नारी का योगदान। नारी के योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, आज नारी पीछे नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में नारी ने पुरुष से साझेदारी निभाई है। महिलाओं में बढ़ती चेतना और जागरूकता ने उनकी पारंपरिक छवि को तोड़ा है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। साहित्य में भी महिलाओं की भागीदारी जिस तेजी से हो रही है, उसे देखते हुए नारी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पर हैरान होने जैसी कोई बात नहीं रहेगी। लेखन को नारी और पुरुष लेखन में बांटने से बेहतर था कि नारी लेखन उस लेखन को कहा जाता जिसकी कहानी नायिका के इर्द गिर्द पूरी रचना घूमती रहती, चाहे उसे नारी या पुरुष कोई भी लिखे। कहने का तात्पर्य यह है कि नारी का योगदान सिर्फ एज ए लेखक राइटर के रूप में नहीं, बल्कि उसकी यथाशक्ति जो कुदरत प्रदत्त है या उसने खुद निर्माण किया है, नायिका के इर्द गिर्द पूरी रचना, उसे नारी या पुरुष कोई भी लिखे। आजादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा, उसमें देशकालिक परिस्थितियां और देश प्रेम की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखती थी, लक्षित होती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, उषा देवी मित्रा आदि कई लेखिकाओं ने अपने समय को अभिव्यक्ति दी। उनके सशक्त लेखन का योगदान हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में मुक्ति के स्वर और तेज हो गए। वह नारी जिसे पुरुषों ने या तो सती सावित्री का जामा पहना रखा था, या फिर वह जो उसके स्वप्न लोक में रची बसी एक खूबसूरत देह मात्र थी, एक ऐसी बेजान शारीरिक कृति, ऐसी रचना बिना भावना के, जो सिर्फ पुरुष के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचना जानती थी। उस नारी ने अपनी पुरानी छवि में से निकलकर पुरुषों को चौंका दिया। यह विषय पुरुषों के चौंकाने के काबिल भी था और हैरान करने वाला था कि नारी अभिव्यक्ति मुखर हो सकती है, प्रश्न चिन्ह के साथ, और वह भी स्वयं नारी के संदर्भ में। पुरुष हैरान था, पूरा समाज ये देखकर हैरान था कि ये शक्ति स्वरूप और तभी से हर तरीके से शक्ति, नारी का दूसरा नाम। साहित्य में नारी लेखन के माध्यम से जो अभिव्यक्ति सदियों से भीतर ही भीतर छटपटा रही थी, अब नारी लेखन द्वारा ही अभिव्यक्त की गई। नारी ने ही नारी की पीड़ा को शब्द दिए, उनके जीवन की व्यथा कथा को वर्णित किया। जैसे मंजू भंडारी, उषा प्रियंवदा, चंद्रकिरण, सौनिरीक्षा, शशि प्रभा शास्त्री का लेखन नारी अस्मिता की तलाश है। कई विषय ऐसे भी रहे, जैसे किन विषयों पर मुख्यतः नारी का जो लेखन का योगदान था, जहां पर एक कहावत है कि नारी ही नारी की दुश्मन है, औरत ही औरत की दुश्मन है, तो उस पीड़ा को एक वर्ग ऐसा भी नारियों का था जिन्होंने उसको समझा और उसको शब्दों में उकेरा। कौन कौन से ऐसे विषय थे जिन पर मुख्यतः वह पीड़ा दर्शाई गई और जागृत करने के लिए समाज को लिखा गया।
नंबर एक, सामाजिक मूल्यों के आधार पर नारी अभिव्यक्ति की तलाश। नंबर दो, पारंपरिक मूल्यों के बीच पिसते नारी अस्तित्व को चीरते हुए नए मूल्यों की तलाश आरंभ करने वाले विषय। नंबर तीन, दांपत्य जीवन के बदलते स्वरूप, जिसमें मुख्यतः संबंध विशेष संदर्भ होता था। नंबर चार, व्यक्तिगत चेतना, अभिव्यक्ति की अहमियत। नंबर पांच, पारिवारिक मान्यताओं एवं मूल्यों में परिवर्तन। नंबर छह, परिवेश के प्रति सजगता। नंबर सात, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए विरोध की अभिव्यक्ति। नंबर आठ, विवाहितर संबंध की जो एक स्वीकार्य मूक स्थिति थी उसको विरोध, यहाँ या नहीं कोई भी दबाव, इस तरीके की स्वतंत्रता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दबाव के प्रभाव में आकर नहीं। नंबर नौ, नीति अनीति। नंबर दस, समय बीतने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्यरत महिला की भूमिका। नंबर ग्यारह, घर और बाहर के दोहरे बोझ से उत्पन्न दुविधा या संघर्ष। ये सभी जो तत्व हैं या विषय परक सामाजिक कुरीतियों को समकालीन स्त्री कथा साहित्य में के नए यथार्थ को देखते हुए और समाज में उजागर करते हुए इन विषयों पर नारी साहित्य के योगदान के संबंधित जागृति विषयों को लिखने के लिए चुना गया। स्त्री कथा साहित्य के नए यथार्थ, स्त्री कथा साहित्य अर्थात दीप्ति खंडेलवाल, मेहरुनिशा परवेज, सूर्यबाला, कृष्णा सौगती, शिवानी निरुपमा सेवती के लेखन ने नए नारी मूल्यों को गढ़ा, उसे एक पहचान दी। भारतीय समाज नारी के इन परिवर्तित प्रयासों को संस्कृति का अवमूल्यन मानकर बराबर खारिज करता आया है और आज भी कर रहा है। समाज में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी यही संस्कार काम कर रहा है। तो स्त्री साहित्य के इस यथार्थ को देखा, समझा और अपने लेखन में जीवंत रूप प्रदान किया इन लेखिकाओं ने। इसमें एक भाव है प्रतियोगिता भाव। नारी लेखन में किसी भी प्रकार से पुरुष से कोई कंपटीशन नहीं था, कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। उसमें पुरुष को नकारना अथवा उसका विरोध करना न होकर स्वयं की अस्मिता, अस्तित्व की लड़ाई थी और उसकी तलाश थी। औरत ने खुद अपने औरत होने के पारंपरिक अर्थ यानी परिभाषा में बदलाव का बिगुल बजाया था। इसमें नारी को बदलने वाले जो मुख्य तत्व हैं, वो हैं, नंबर एक है शिक्षा के प्रति जागरूकता, नंबर दो कानून के प्रति जागरूकता, नंबर तीन दैहिक दायरे में स्त्रियोचित गुणों की नजाकत को बनाए रखना परिवर्तन के साथ, नंबर चार परंपरागत आशय पराधीनता यानी स्त्री घर के भीतर हो या बाहर कहीं भी पुरुष हिंसा, दमन, उत्पीड़न और शोषण की शिकार होना, नंबर पांच आदर्श पत्नी की चुप्पी या उसका चुप रहना या त्याग भावना ही उस सम्मान का कारण, नंबर छह पति के अनैतिक, अवैध और व्यभिचारी व्यवहार का प्रतिरोध न करके परंतु परिवर्तन जब आया तो विरोध तत्व का भी प्रयोग किया, नारी ने विद्रोह किया। नंबर सात विद्रोह स्वरूप एक छोटा स्वर गुंजित करने पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। नंबर आठ नारी ही नारी की दुश्मन यानी रिश्तों का चक्रव्यूह। तो इसमें नारी को बदलने वाले ये मुख्य ये सारे ऐसे तत्व थे जिनके आधार पर
नारी को अपनी ही परिभाषा बदलनी थी और इनके विरोध में खड़ा होना था। महिला लेखन में सामाजिकता तो झलकती है, लेकिन राजनीतिक विचार धारा, उसकी स्थिति का प्रभाव, यानी उसके अस्तित्व का या उसके उसको गंभीरता से लेने का प्रभाव कम दिखता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है, आलोचना के क्षेत्र में जरूर नारियों की पैठ कम है। अधिक या कम की बात न करें तो ऐसा नहीं है कि लेखिकाओं ने राजनीतिक उपन्यास या कहानियां लिखी नहीं है। ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी गईं जो नारी को जबरदस्ती ओढ़ाए गए आवरण को उतारकर वर्तमान समाज की धारा के मूल प्रश्नों से संघर्ष करती है, अर्थात सामना करती है। निष्कर्षतः साहित्य में नारी लेखन के सार्थक योगदान को नकारा तो नहीं जा सकता है, ये एक अलग पहलू है कि 100% तो नहीं रहा, परंतु जो परिस्थिति परिवेश का सामना स्त्री ने समाज में सहन किया या उसको भुगता, उसको समझते देखते हुए नमन है इस नारी योगदान को साहित्य में। जिंदगी नामा, महाभोज, अनित्य, सात नदियां, एक समंदर आदि नारी लेखन योगदान के राजनीतिक सामाजिक चिंतन से ओतप्रोत उपन्यास नारी लेखन के प्रत्यक्ष प्रमाण उजागर करते हैं। नारी लेखन आज वर्तमान समय और 2-4 दशक पहले की पारिवारिक स्थितियों में आए बदलाव को स्पष्ट भी करता है और तब और आज का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आजादी के बाद भारतीय समाज में शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता और नारीवादी आंदोलन का ही प्रभाव रहा, जो शिक्षित और स्वावलंबी स्त्रियों के निर्णय लेने की शक्ति में लक्षित होता है। पुरुष प्रधान देश और समाज व परिवार में भी स्त्रियों का प्रतिरोध करना उनके अपने में, यानी अपने आप में, जो कि अहम उनका अस्तित्व को पहचानने की एक कोशिश है। भारतीय समाज नारी के अस्तित्व बोध की समस्या से अनभिज्ञ, अनजान रहा, या दूसरे शब्दों में अगर हम यह भी कहें कि जो समाज नारी को पूजने की बात करता है, दुर्गा शक्ति आदि की संज्ञा से नवाजता है, परंतु सिर्फ शब्दों में। शास्त्रों में समाज में ने जानबूझकर ही यह अनदेखी की। नारी को अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने आप ही लड़नी पड़ी और बहुत बड़ी बड़ी कीमतें भी चुकानी पड़ी, परंतु वह कामयाब भी रही। वो अलग बात है कि इस इतनी लंबी लड़ाई के अंदर आज भी 100% या 100% तो स्थिति सुधरी नहीं है। आज एक रूप बदल गया है शोषण का। पहले दिखता था, घर घर में होता था, लेकिन आज है कटाक्ष, स्टैंडर्ड वुमन एक्सप्लोइटेशन, आधुनिक शोषण, और जो दिखता भी है लेकिन आसानी से बोल नहीं सकते। और यदि आज विद्रोह की भावना पनप भी रही है तो आज आप ये देखें परिवार कितने टूट रहे हैं। यह तथ्य थोड़ा अलग है नारी में साहित्य योगदान से, परंतु इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान में स्थिति क्या है। परिवार अब बनते बाद में है और टूट जाते हैं पहले। नारी के साहित्य योगदान की इस सीढ़ी तक कदम रखने की प्रक्रिया आसान तो नहीं रही होगी, जब आज भी स्थिति इतनी भयंकर है, परंतु हिम्मत दिखाने वालों की ही विजय होती है, यह सर्वविदित है। भारतीय समाज नारी के अस्तित्व बोध की समस्या से अनजान रहा या दिखावा किया, यह अलग विषय है। विषमता की इन त्रासदियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करना नारी की पहली जरूरत बन गई थी। एक सच्चे साहित्य की पहचान भी यही है कि वह अपना कार्य, अपना कर्म बखूबी से निभाए, चाहे उसका दायरा कितना भी छोटा या सीमित क्यों न हो, परंतु वह जो अनुभव करे उसको हूबहू यथार्थ चित्रण और
वह महज कल्पनाशील न होकर यथार्थ यानी सत्य की धरती पर खड़ा हो और एक सही तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत करे। आज की महिला कथाकार अपने कर्म को बखूबी निभा भी रही हैं। नारी यानी महिला लेखन चाहे मात्र कुछ प्रतिशत साक्षर महिलाओं तक ही पहुंच रहा है, परंतु फिर भी वह पथ पर निरंतर बढ़ रहा है प्रभा के साथ।